हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट फोर। लास्ट टाइम हमने पार्ट वन टू और थ्री किया था। थर्ड पार्ट में हमने ल्यूलैंड की बात की थी, ल्यूलैंड की ऑक्टेव की बात की थी, राइट। ल्यूलैंड के फीचर्स क्या क्या थे हमने उसकी बात की थी। उसको हम क्विकली रिवाइज करेंगे एक बार। क्या कहा था मैंने, जब आप एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज करते हो तब आपको पता चलता है कि हर पहले एलिमेंट का एट एलिमेंट से प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है। तो फर्स्ट एलिमेंट एंड एट एलिमेंट इज द सिमिलर प्रॉपर्टी, राइट। हमने उस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो पहले आर्टिकल का जो कंसेप्ट था, फर्स्ट एलिमेंट और एट एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर है, उसने उसको म्यूजिक से कंपेयर किया, राइट। इसीलिए उसके क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, बिकॉज ही कंपेयर्ड दिस टू द म्यूजिक फाउंड इन ऑक्टेव्स, राइट। डू यू रिमेंबर? अगर आपने पार्ट नहीं देखा है तो पिछले जाके देख लीजिए। तो लॉ अच्छा खासा चल रहा था, सब कुछ हर जगह उसका जलवा छाया हुआ था, राइट। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये थी कि उसकी लॉ में काफी गलतियां थी, राइट। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिटेशन और डीमेरिट्स ऑफ न्यूलैंड। तो एक बार आप रीड कर लीजिए इसको, देख लीजिए मैंने क्या लिखा है, हमेशा की तरह एक बार रीड कीजिए। ये तो श्योर होगा कि आपको समझ नहीं रहा होगा इसमें से कुछ भी, लेकिन अब समझने की कोशिश करना। देखो, न्यूलैंड का एक सिंपल लॉ था, बेसिक लॉ था, राइट। तो उसने एलिमेंट्स को अरेंज करते गया, वो करते गया, राइट। 56 एलिमेंट्स उस टाइम पे डिस्कवर हो चुके थे। तो 56 एलिमेंट्स को उसने बॉक्स में, टेबल में प्रॉपर बनाने का उसने कोशिश की थी। लेकिन जब हमने उनके लॉ को वेरीफाई किया, जब हमने उनके लॉ को चेक किया, तब हमको पता चला कि उनका जो लॉ था सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, उनका जो लॉ था सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, उसके आगे कोई भी एलिमेंट न्यूलैंड का ऑक्टेव फॉलो नहीं कर रहे थे। कहने का मतलब क्या है, अगर इसको हम पहला एलिमेंट लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, ये आठवां हो जाएगा, राइट। तो अगर ये पहला है तो ये आठवां हो जाएगा। और कैल्शियम की और ZN जो जिंक होता है उनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी, ना ही सिमिलर थी। आगे अगर मैं क्रोमियम लेता हूं, CR लेता हूं, और इधर से एट्थ एलिमेंट कौन सा है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, वो भी नहीं थी। कैल्शियम से पहले सब सही चल रहा था, पहला आठवां प्रॉपर्टी सिमिलर मैच कर रही थी, जिंदगी बढ़िया थी, उसका जलवे छाए हुए थे। लेकिन कैल्शियम के बाद कोई भी एलिमेंट उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी, राइट। तो ये एक पहले प्रॉब्लम थी उसके टेबल में। दूसरी बात देखिए, इन भाई साहब ने दो एलिमेंट्स को एक साथ प्लेस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, कोबाल्ट एंड निकल, अब देख सकते हो यहां पर मैंने लिखा हुआ है कोबाल्ट एंड निकल को इन्होंने साथ में प्लेस कर दिया। भाई अगर आप एक टेबल बना रहे हो, एलिमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज कर रहे हो, तो यू कैन नॉट प्लेस टू एलिमेंट्स टुगेदर, दिस इज अ मिस्टेक। थर्ड पॉइंट, दो एलिमेंट को साथ में प्लेस किया तो किया, लेकिन किसके साथ किया, F और Cl, फ्लोरिन एंड क्लोरिन। मैं लिख लेता हूं इसको अच्छे से। Moreover, he placed some element with different properties in the same note. इसका मतलब क्या, कोबाल्ट एंड निकल को साथ में प्लेस किया तो किया, लेकिन कोबाल्ट एंड निकल को F एंड Cl के साथ में प्लेस कर दिया। अब इसका मतलब क्या होता है, पहली गलती तो दूसरी प्रॉब्लम भी उसकी ये थी, कोबाल्ट एंड निकल को साथ में प्लेस कर दिया, प्लेस किया तो किया, कोबाल्ट एंड निकल को फ्लोरीन और क्लोरीन, जिसको हम हेलोजन बोलते हैं, आगे पढ़ोगे हेलोजन मतलब, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ में प्लेस कर दिया, जिनकी प्रॉपर्टी मैच ही नहीं करती थी। भगवान ने भेजा तो दिया, लेकिन भेजे में भेजा नहीं दिया, ये ऐसी बात हो गई। कोबाल्ट एंड निकल को साथ में प्लेस किया तो किया, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन जिनकी प्रॉपर्टी मैच ही नहीं करती, ठीक है, इस तरह से प्रॉब्लम हो गई। इनके विचार अगर कुछ, इनके विचार तो कुछ और,
तो इनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती। तो तीसरी प्रॉब्लम, कैसे भी प्लेस कर दिया मतलब, तो एक बड़ी से ब्लंडर मिस्टेक यहाँ पर हो गई। ऐसे बहुत एग्जाम्पल आपको देखने मिलेंगे राइट। तो यहां पर हम लोग को क्या देखने मिला, कोबाल्ट एंड निकल को रिप्लेस टूगेदर अलोंग विथ हेलोजन। हेलोजन मतलब क्या होता है सर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। अब हेलोजन का नाम हेलोजन ही क्यों है, ये सब मैंने क्यों लिखा है, हेलोजन मतलब क्या वो आपको बताऊंगा आगे के वीडियोस में। लेकिन हेलोजन में क्या क्या आता है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, उनके साथ में कोबाल्ट एंड निकल को प्लेस कर दिया जिनकी प्रॉपर्टी मैच ही नहीं करती थी। प्रॉपरली लिख देता हूं, जिनकी प्रॉपर्टी डिड नॉट मैच, तीसरी गलती ठीक है। तो पहला तो कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, दूसरा निकल एंड कोबाल्ट को साथ में प्लेस किया तो किया लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ में प्लेस कर दिया जिनकी प्रॉपर्टी मैच ही नहीं करती थी, सेम ही नहीं थी। जब हम टेबल में किसी को अरेंज करते हैं तो प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए ना, देखो लीना के राइट, प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए, हमने देखा था डॉबर नायर में, तो यहां पर भी सबकी प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए। अगर मैं वर्टिकली बना रहा हूं इसको, मैं अगर एक टेबल बना रहा हूं, अगर सबकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगी तो टेबल का मतलब क्या है, आप लॉजिक समझ रहे हो ना। अगर साथ में मैं इसको प्लेस कर रहा हूं तो मैच करने चाहिए राइट, लेकिन यहां पर मैच नहीं कर रहे थे, तो ये एक तीसरी गलती थी। और चौथी गलती ऑब्वियसली यूजुअल है, नो प्रोविजन टू प्लेस न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। टेबल में नए एलिमेंट को जगह ही नहीं मिल पाई या हम प्लेस ही नहीं कर पाए। इन शॉर्ट इट वॉज अ कंप्लीट डिजास्टर। अब इतना याद रखना कि इन टेबल के फंडामेंटल्स में मिस्टेक थे। फंडामेंटल का मतलब क्या, आपको आगे के वीडियोस में समझ जाएगा कि डॉबर नायर न्यूलैंड का सब क्या मिस्टेक कर रहे थे। लेकिन आपको चार पॉइंट याद रखना है लिमिटेशन के, सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, निकल एंड कोबाल्ट को साथ में प्लेस कर दिया, किया तो किया लेकिन किसके साथ प्लेस किया, फ्लोरीन एंड क्लोरीन हेलोजन के साथ, दो ग्रुप में, समझ रहे हो ना, सारे ग्रुप में जिनकी प्रॉपर्टी मैच ही नहीं करती थी। अगर वो एक ग्रुप में तो प्रॉपर्टी मैच होनी चाहिए लेकिन मैच नहीं कर रही थी। और चौथा पॉइंट, जो नए एलिमेंट डिस्कवर हुए वो जगह ले ही नहीं पाई टेबल में। तो इस तरह से कुछ गलतियां इस टेबल में थी, इसीलिए क्योंकि इसमें गलतियां थी इसके हम आगे जाएंगे। अब आगे वाले टेबल में देखेंगे गलती है क्या नहीं है, अगर उसमें भी गलतियां तो हम आगे जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस, किस हिसाब से सब स्टडी होती है, किस हिसाब से पूरा ये खुला चिटा किया जाता है राइट। तो काफी सालों की मेहनत होती है, तो इस तरह से आपको ये मिस्टेक याद रखनी है इसकी, ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।